पता है मैं कल क्लिनिक गई थी, तो अभी जो रिसेंटली एक न्यूज़ आई है ना कि बहुत सारे डॉग्स हैं अप्रॉक्सीमेटली 25-27 जो कि बैन हो गए हैं, और जिन लोगों के पास में वो डॉग्स हैं उनको तो उस डॉग को रखना है, लेकिन उसके साथ साथ में उनको लाइसेंस लेना है, और लाइसेंस लेने के लिए उनको स्टरलाइज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज़ पर रूल। तो लोगों ने बड़ी नई नवेली सी ट्रिक निकाली है, लोगों को लग रहा है कि जहाँ पे नगर निगम है वहाँ तो वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम अपने डॉग को लेते हैं और किसी और एरिया में भेज देते हैं। लाइक अगर हमारा घर कहीं गांव में है या ऐसी जगह पे जहाँ अभी नगर निगम नहीं आया हुआ है। तो फैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लॉ पूरे इंडिया के लिए आया है, अगर आपका डॉग कोई भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, लाइक वो डॉग बाइट कर लेता है किसी को, या किसी को भी आपके डॉग से प्रॉब्लम है, तो वो फेक कंप्लेंट भी कर सकता है आपके डॉग के खिलाफ, और उसमें आप ही फंसेंगे। तो क्या प्रॉब्लम है स्टरलाइजेशन करा लेने में? स्टरलाइजेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं भाई। फिजिकली आपका डॉग अच्छा हो जाता है, उसको आगे चल के कोई कैंसरस इश्यूज नहीं आते हैं, मेंटली वो अच्छा रहेगा क्योंकि स्टरलाइजेशन के बाद में उसमें जो हॉर्मोनल इम्बैलेंसेस होते थे वो सब अब नहीं होंगे। लोगों को ना बेनिफिट्स से नहीं लेना देना है, लोगों को बस इससे परेशानी है कि भाई हमारी दुकान बंद हो जाएगी।